पीतल नगरी मुरादाबाद के रहने वाले अनंत रस्तोगी ने एक्टिंग के क्षेत्र में अपने शहर मुरादाबाद का ही नहीं पूरे देश में पीतल नगरी का नाम रोशन किया है। एक्टिंग के क्षेत्र में कॉमेडी वीडियो बनाकर मुरादाबाद के अनंत आज यूट्यूब की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, साथ ही उनके 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। अनंत ने अपनी शुरुआत 2019 में की, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़े सपने देखने का शौक था उन्हें। उन्होंने नोएडा जाकर फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्स किया। अपनी सारी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहां पर बहुत अवार्ड्स भी जीते और साथ ही वो एक्टिंग स्कूल के टॉपर भी बने, लेकिन दिल्ली में बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपना नाम नहीं बना पाए। उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया, मुंबई में एक सस्ता सा मकान लिया, वहाँ रहे, छोटे मोटे काम किए जिससे बस खाने लायक ही पैसे मिलते थे। लगातार 2 साल मुंबई में रहने के बाद उन्हें वो हासिल नहीं हुआ जो वो चाहते थे। जब उन्हें किसी ने एक्टिंग में काम नहीं दिया तो उन्होंने खुद ही अपने फ़ोन से यूट्यूब पर एक्टिंग वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। मेहनत करते रहे और 5 साल तक लगातार मेहनत करने का नतीजा आखिर सामने आ गया। लोगों को उनकी कॉमेडी वीडियोस पसंद आने लगी। ऐसा करते करते उनके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और सिर्फ 8 महीने में अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन के बल पर आज उनके यूट्यूब पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पर कमाए गए पैसों से वो पशुओं की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। आज पूरे देश विदेश में उनका काफ़ी नाम है। कल तक कोई नहीं उन्हें जानता था, आज पूरा देश उन्हें जान रहा है। कल तक उन्हें कोई काम नहीं देता था, आज सब उनके साथ काम करना चाहते हैं। इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स में मुरादाबाद के अनंत टॉप पर है। अनंत रस्तोगी कहते हैं कि इसके पीछे उनके माता पिता का सपोर्ट है, उनके प्यारे से डॉगी लियो का साथ है। वो कहते हैं कि उनके साथ यूट्यूब पर उनके पिता हिमांशु रस्तोगी, माता पारुल रस्तोगी, बहन गर्विता रस्तोगी और उनका डॉग लियो सब मिलकर फैमिली कॉमेडी वीडियो बनाते हैं जो पूरे देश विदेश में पसंद किए जाते हैं। बहुत मेहनत करी है, काफ़ी सालों से लगाऊँ, लोगों को लगता है एकदम से फेमस हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत है और आगे भी बहुत कुछ करने का मेरा प्लान है। बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो मैं एक्टिंग की फील्ड में आगे बहुत कुछ करूँगा। ये तो बस छोटी सी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज एक पार्टी है, एक फैमिली फंक्शन है और एक गेट टुगेदर है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो प्यार करने वाले थे, उन सबसे मैं अभी मिला हूँ और अब फैमिली फंक्शन होने वाला है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे उन लोगों जो मैंने 1 करोड़ मेरा यही कहना है कि सब लोग बस लगे रहो, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है, टाइम लगता है, बट जब मिलेगा ना तो सब देखते रहेंगे। तो जस्ट कंटिन्यू योर थिंग, हार्ड वर्क करते रहो, एक दिन ज़रूर आएगा आपका। अब क्या कुछ नया आने वाला है आपके चैनल? अभी मेरी काफ़ी चीज़ें आने वाली है, मैं अपने प्रोडक्शन के लिए भी प्लान कर रहा हूँ, मेरी म्यूज़िक वीडियो भी आने वाली है, तो काफ़ी चीज़ें लाइनअप में है अभी। मेरा नाम पारुल रस्तोगी है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को अपने, बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने और मेरा भी बहुत बहुत प्यार सबको, तो थैंक यू ऑल और ऐसे सपोर्ट करते रहिए हमें। मैं हिमांशु रस्तोगी, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है। तो हमारे जितने भी ये फैमिली ब्लॉग्स बनते हैं और आज हमारे 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे हो गए यूट्यूब पे, उसी के उपलक्ष्य में ये इवेंट हमारा हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति चाहता है कि कुछ बनना चाहता है और उसी फील्ड में यदि उसे उन्नति प्राप्त होती है तो वो अनंत है और इसने बहुत सक्सेस प्राप्त की है। इससे भी ये दिल से इतने खुशी उत्पन्न हो रही है कि मैं बोल भी नहीं सकता। सब चीज़ें एक्चुअली मेरा बिजनेस भी है और मैं बिजनेस भी करता हूँ और सब हम लोग मिलके फैमिली ब्लॉग्स भी बनाते हैं, बल्कि रात के 3-3, 4-4 बजे तक नाइट में भी हम लोग काम करते हैं और जितनी मेहनत हम कर सकते हैं ऑडियंस के लिए वो पूरी हम करते हैं अपनी तरफ से। अब सबसे पहले तो ये 10 मिलियन का जो ब्लॉग है ये हमारा कल या परसों में रिलीज़ होगा और उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं और बल्कि हमारी हॉरर सीरीज़ तो सबको बहुत ही पसंद आती है जो हम हर महीने एक ना एक कोशिश करते हैं बनाने की। क्या कहना चाहेंगे आपके चैनल वाले? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत, मतलब ऑडियंस के लिए तो मैं दिल से बहुत ही शुभकामनाएं कहूँगा। इतना प्यार मिलता है, हम जिस शहर में जाते हैं पूरे इंडिया में कहीं पर भी तो हमें ऑडियंस इतना प्यार देती है कि देख के मेरा दिल भर जाता है। तो लव यू ऑल, थैंक यू।